हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नगर परिषद सभापति एवं पार्षदों ने किया एक दिवसीय श्रमदान। सार्वजनिक शमशान घाट में झाड़ू लगाकर की सफाई। नगर परिषद सभापति दिलीप माली एवं बाड़मेर नगर परिषद के सभी पार्षदों के द्वारा बाड़मेर के सार्वजनिक शमशान घाट में एक दिवसीय श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बाड़मेर के सार्वजनिक शमशान घाट में सभी जन प्रतिनिधियों के द्वारा शमशान घाट स्थल पर सफाई अभियान चलाया गया। इस सफाई अभियान में शमशान घाट के चारों तरफ फैली गंदगी, कचरे के ढेर, बाहर पड़ी झाड़ियों की कटिंग किया गया एवं कचरे को हटाया गया। वहीं मेघवाल समाज के शमशान घाट में काफी बरसों से बबूल की झाड़ियां लग गई थी, उन झाड़ियों को भी जेसीबी के माध्यम से हटाया गया। नगर परिषद सभापति दिलीप माली के द्वारा आम जनता से भी अपील की गई है कि समय समय रहते सार्वजनिक स्थलों पर आम जनता भी सहयोग करे और बाड़मेर के सौंदर्यकरण में अपना सहयोग करे। एक दिवसीय सफाई अभियान को सफल बनाने के लिए महीने में एक बार अपना समय निकालकर श्रमदान करे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए दिलीप माली सभापति नगर परिषद बाड़मेर इन्होंने ये कहा। कार्यक्रम चल रहा है आज सार्वजनिक शमशान घाट में साफ सफाई को लेकर मेरे साथी पार्षदों के फोन आए कि आप सब मिलकर उसमें श्रमदान करना चाहते हैं। जो भी बबूल छोटी बड़ी जो झाड़ियाँ हैं और साफ सफाई है, ये आज देखकर हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि श्मशान घाट भी शहर की तरह साफ सुथरा होना चाहिए। उसी क्रम में आज मेरे सभी साथी पार्षदों के साथ सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का प्रोग्राम तय किया गया और सभी पार्षद पंडो यहाँ आए और हमने श्मशान घाट में जो जितना हो सका उतनी सफाई को अच्छा बनाने की पूरी कोशिश की है। आगे भी आम जन से निवेदन है कि आप गंदगी न फैलाएं, शहर को साफ सुथरा रखने में सहयोग प्रदान करें। जागरूक टीवी की बाड़मेर से खास रिपोर्ट।